बच्चे रहती वो अपने शिकार के लिए इधर उधर घूमती रहती थी। गांव वाले सभी उससे परेशान थे। चुड़ैल का खूब गांव वालों को दिन पे दिन खाया जा रहा था। हर दिन चुड़ैल अपने शिकार के लिए निकलती थी, पर शिकार नहीं मिलने पर गुस्सा होती और सुबह होने पर वापस चली जाती। कई दिन बीत गए, चुड़ैल का शिकार ना मिला। उससे गांव वाले काफी परेशान हो चुके थे। दिन प्रतिदिन चुड़ैल का भी क्रोध बढ़ता जा रहा था। गांव वालों के प्रति उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा भयंकर हो गया था। एक राम नाम का लड़का जंगल में बैठा था और वो यही सोच रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। और अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और राम को पता भी नहीं चलता। चुड़ैल भी सोचने लगती है, गांव में तो मेरे को शिकार नहीं मिला, पर यहाँ मेरे को शिकार मिल गया है काफी दिन के बाद, तो मैं इसे मार कर क्यों ना खा लूं। पर वहां पर सो जाता है चुड़ैल। धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंच जाती है और वह खड़ी ही होती है, तभी लड़कियां खुल जाती है और राहुल वहां से डर कर भागने लगता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। राहुल वहां से भाग ही जाता है और चुड़ैल अचानक उसके पीछे जाकर उसको पकड़ लेती है। फिर अचानक उनके आपस में और उसे मार देती है।